किड्स, कैसे चल रही है आपकी समर वेकेशंस? तो समर वेकेशन में पढ़ाई के साथ साथ हम आज एक फन एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम बनाएंगे वेइंग स्केल। तो चलो जल्दी जल्दी सीखते हैं। बनाने के लिए हमें इन सब सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ होगा, उसके बाद में एक प्लास्टिक का बोल, दिए अगर आपके पास प्लास्टिक का बोल नहीं है तो पेचकस, एक लकड़ी की स्केल, फेविकॉल, सिजर्स या कैंची और बांधने के लिए मोली। मैंने दिए में ऑलरेडी होल्स कर रखा है, दो साइज के दिए हैं तो मैंने इन दियों में ऑलरेडी होल कर रखा है, पर आप जैसे दिए लोगे उनके अंदर होल नहीं होगा, तो इजीली होल करने के लिए हम इसे ओवरनाइट एक पानी के बर्तन में डिप कर देंगे। अब चाहे तो आप प्लास्टिक के बोल से बना रहे हो चाहे दिए से, तो मैं अभी दिए से बना रही हूँ, तो अब इसमें होल ऑलरेडी है पर आपके दियो में होल नहीं है, तो जो डिप्ड दिए हैं जो आपने रात भर पानी में डिप किया है उससे आप पेचकस से होल कर लीजिए। पर क्योंकि मेरी नीज बना रही थी उसको बहुत ही ज्यादा छोटी उससे नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करी और मैंने इसमें होल्स कर दिए। आप भी अपने बच्चे की हेल्प कीजिए और इसमें होल्स कर दीजिए। होल करने के बाद में मुझे 6 मोली चाहिएगी, या बांधने के लिए आप कोई भी धागा ले सकते हो, कोई भी फैंसी सा धागा ले सकते हो या मोली ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो भगवान को चढ़ाते हैं वो 6 स्ट्रिंग्स ले ली हैं मोली की, वो मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर दी है और नीचे से उसमें गांठ लगा दी, जैसे ये आपको दिखा रही है गांठ लगा दी है नीचे से इस तरीके से। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमने होल्स करे थे दिए में, तो हम ये जो स्ट्रिंग्स है मूली की उसके अंदर पिरो लेंगे। अब याद रखिए कि जहां से हमने गांठ लगाई है वो नीचे की साइड रहेगी और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जहां पर गांठ नहीं है वो ऊपर की साइड रहेगा। तो आप इसको पिरो लीजिए, अगर बच्चा उसके अंदर निकाल पाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको पिरो कर उसे दे दीजिए। जैसे यहाँ पे ट्राई कर रही है होल्स के अंदर स्ट्रिंग डालने की, तो नीचे जहाँ पे हमने गांठ लगाई है वो नीचे की साइड रहेगा ताकि वो उसको होल्ड कर सके, और बाकी का जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की साइड रहेगा ताकि हम ऊपर से दिए को वे करने के लिए या टांगने के लिए हम ऊपर से अलग से गांठ लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये तीनों होल्स के अंदर 3 स्ट्रिंग्स डालनी है, इसीलिए मैंने 6 स्ट्रिंग्स ली है क्योंकि वेइंग स्केल के लिए मुझे 2 दिए चाहिएंगे, तो मैंने 3 स्ट्रिंग्स पर दिया लिए। तो अभी ये उसके अंदर से पिरोने की कोशिश करी, ये पिरो लिया है। तो इस तरीके से 3 हमने पिरो लिए हैं 1 2 3 करके। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से आप गांठ चेक कर लीजिएगा इस तरीके से, अगर बच्चे थोड़ी लूज बांधे तो आप उसे टाइट कर दीजिएगा और इस तरीके से ये हो जाएगी। ऐसे आप लटका कर देख लीजिए ताकि आपको बैलेंस पता लग जाएगा और ऊपर एक मजबूत गांठ बांध दीजिए। और ध्यान रहिए कि तीनों स्ट्रिंग्स का जो वो हो, जो मेजरमेंट हो, जो लेंथ हो, वो सेम हो, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से बांधने के लिए। इस तरीके से हमें गांठ बांधनी है जहां पे ये दिखा रही है। अब मैंने क्या करा कि वेइंग मशीन के लिए जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक लकड़ी की स्केल ली है, आप लकड़ी का कोई भी टुकड़ा ले सकते हो, कोई वेस्ट प्लास्टिक का आपके पास में कोई डंडा हो वो ले सकते हो। उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने मूली की से ही इसे कहा था कि इसने लपेट दी है मिटनी से। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, थोड़ा डेकोरेशन कर दिया है इसने, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेट करने के लिए नहीं था इसलिए हमने इस तरीके से करा। अब हमने जो दोनों दिए थे उसके जो मैंने स्ट्रिंग्स बांधी थी वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से इसे बोला, तो इसने दोनों इस तरीके से ऊपर से बांध दिए हैं। अगर आप बांधना चाहते हो तो बांध सकते हो, वरना आप इसको फेविकॉल से भी लटका सकते हो, चिपका सकते हो। तो इस तरीके से मैंने बीच में भी एक जैसे धागा टाइप का, या अगर आपके पास में कोई अच्छा कपड़ा हो वो बांध सकते हैं, तो हमने उस तरीके से बांधा है ताकि पकड़ने में इजी रहे। और बाकी दोनों साइड में हम बैलेंस चेक कर रहे हैं कि दोनों जो दिए हैं वो सेम तरीके से बैलेंस हो पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टोन्स थे तो मैंने उसे दिए थे। ये एक बहुत ही अच्छी फन एक्टिविटी हो सकती है कि आप बच्चे को बोलिए कि इससे वो काउंटिंग भी सीख सकते हैं कि छोटे छोटे जो स्टोन्स है कलरफुल, आप बताओ कि 4 स्टोन्स आप एक पार्ट में रखो, 4 स्टोन्स दूसरे पार्ट में रखो और देखो कि दोनों बराबर है क्या, या इससे वो बैलेंस करना भी सीख सकता है। एक अच्छा सा माइंड गेम भी हो सकता है और एक फन एक्टिविटी या उसका आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क तो है ही, या आप साइंस के प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप उसे बैलेंस कीजिए। अब यहाँ पे उससे अच्छे से बैलेंस नहीं हो रहा था तो मैंने करके दिखाया, तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। मैंने दोनों तरफ स्टोन्स डाल दिए थे
और ये देखिए मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अच्छे से। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वेइंग स्केल बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल।